रहा हूं, रही हूं, रहे आता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको अगर कर्ता एकवचन है तो इसका प्रयोग करना चाहिए, और अगर कर्ता बहुवचन है तो आर का प्रयोग करना चाहिए, और अगर सब्जेक्ट के स्थान पर आई है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको एम का प्रयोग करना चाहिए, तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आई एन जी जोड़ करके उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना चाहिए। यह बात हुई आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में मोटी मोटी। इसके बाद में अपन बात करते हैं बच्चों, आगे वाला जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसको अपन हिंदी में कहते हैं वर्तमान पूर्ण काल। और मैंने आपको बताया था कि हिंदी में जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, इस प्रकार के शब्दांश अगर हिंदी में किसी वाक्य के अंत में आते हैं तो वो जो वाक्य होगा वो अंग्रेजी के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। और इसको पहचानने का तरीका यह है अंग्रेजी में कि उसमें हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, एक वचन कर्ता के साथ हैज आता है, बहुवचन के साथ हैव आता है, तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। देखो सेंटेंस बता रहा हूं, मैंने जैसे आपको कहा कि मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका हूं, मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका हूं, अंग्रेजी बनाई मैंने आई हैव डन, आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव डन माई होमवर्क, मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका हूं। अब मैंने कहा कि क्या मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका हूं, आपने अंग्रेजी क्या बनाई हैव आई डन माई होमवर्क, हैव आई डन माई होमवर्क, क्या मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका हूं। अब मैंने कहा कि मैं अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुका हूं, या मैंने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है। यहां पर आप ये समझें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस